मुर्गी की जखनी तैयार हो चुकी है, तो अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। मैं हूँ हुसैन मसूद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जैद के व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और दोस्तों टाइम हो चुका है सुबह के 11 का। आप मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि वीडियो मैं एडिटिंग कर रहा था और अपलोड कर रहा था, वो अभी अभी मैंने अपलोड कर दिया है। जाएँ वो वाली वीडियो भी देखें, लाइक कमेंट कर दें। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, तो चलो जो दोस्तों देखाते हैं। छत पर जाकर मैं अपने चूजे जो खड़े हैं उनको देखाते हैं उनकी कंडीशन क्या है। जी दोस्तों छत पर मैं आ चुका हूँ, मैंने इसको चूज़ों को देखते हैं। ये वाला चूज़ा देखिए माशाल्लाह से एक्टिव है, और इसको देखें जी दोस्तों ये बिल्कुल बीमार हो चुकी है, ठीक से कुछ खा भी नहीं रही। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बीमार हो चुकी है। दोस्तों ये देखें जी ये चूज़ा बीमार हो चुका है। देखें दोस्तों ठीक से खड़ भी नहीं पा रहा क्योंकि ना ही कुछ खा रहा है ना ही कुछ पी रहा है। कल मैंने इसको मेडिसिन भी दी थी, आज ये दोस्तों इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुझे जल्दी जल्दी से इसको हलाल करना पड़ेगा। ये है भी फीमेल और मैंने सोचा था यार फीमेल मेरे पास आ जाएगी। मेरे पास फीमेल तकरीबन एक है, दो मुर्गे हैं और बाकी जो मेरे पास चार बच्चे हैं वो भी असील हैं। ये जो मैंने उनके साथ छोड़ा था तो वो वाले जो से इनको मारने लग गए क्योंकि वो असील नस्ल है, ये और नस्ल है देसी, तो इस वजह से उनके साथ इनकी नहीं बन सकी। और दोस्तों देख सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो दोस्तों मुझे जल्दी जल्दी से इसको हलाल करना पड़ेगा, इसकी हालत तो ख़राब होती जा रही है। दोस्तों मैं अभी जल्दी जल्दी से जाता हूँ नीचे और इसको हलाल कराता हूँ, और आज मैं इसकी यखनी बना के पी लूँगा। अब देखें दोस्तों इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, जल्दी जल्दी से मैं जाता हूँ नीचे। तो मैंने उधर उन बच्चों के साथ मैंने छोड़ा तो वो वाले चूज़े इनको मारने लगे। मैंने उन चूज़ों के साथ जब छोड़ा था तो ये डर डर की वजह से कुछ खाती पीती नहीं थी। तो दोस्तों ये बहुत बीमार हो चुकी है, ना ही खा सकती है ना ही पी सकती है। तो मैंने इस वाले को इधर अलग बाहर वाले पिंजरे में छोड़ा हुआ है। अब मुझे जल्दी जल्दी से जाके इसको हलाल करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखें मरती जा रही है, ये देखें दोस्तों इसका आखिरी टाइम आता जा रहा है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी जाके इसको हलाल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार होती जा रही है। दोस्तों छुरी मैंने तीखी कर ली है और अब मैं इसको हलाल करने लगा हूँ। क्या ना उसको मैं जिबा कर रहा हूँ, देखियो क्या है। मुर्गी मुर्गी बनी है, अल्लाह अकबर। मुझे मजबूरन उसको हलाल करना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, उसका आखिरी वक्त चल चुका था और एक एक सेकंड मतलब इसके चल रहे थे, मरने वाली थी। मुझे मजबूरन जल्दी जल्दी से उसको हलाल करना पड़ गया और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है। दोस्तों अगर मर जाती तो मुझे इससे भी ज़्यादा टेंशन होती, इस वजह से मैंने इसको हलाल कर दिया ताकि इसका यकीनी बना कि मैं इसको पी सकूँ। शान जा के वो ले आओ, प्लेट ले जाओ। तो मैंने इसको हलाल कर दिया अभी। मैंने इसको किस वजह से हलाल किया, बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, मैं वक्त पर पहुंच गया छत पर। ये मर जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता और इसको मैं गली में फेंकाता, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको हलाल कर दिया, तो बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ उसको यखनी बनाने, उसका टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुर्गी ये देसी थी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, मजबूरन मुझे इसको हलाल करना पड़ गया। तो दोस्तों टेंशन भी हो रही है लेकिन खुशी हो रही है क्योंकि मैं टाइम पर पहुँच गया हूँ। मर जाती तो इससे भी ज़्यादा मुझे अफसोस होता। तो बस दोस्तों चलते हैं, दोस्तों वीडियो के साथ बंद रहें।
जी दोस्तों, मैं अब यखनी बनाने लगा हूँ। यह है जी हल्दी, नमक और यह है जी काली मिर्चा। ये जी 6-7-8 मैंने डाल दिया। बाकी इसके अंदर अब हल्दी डाल देता हूँ। 1 चम्मच हल्दी और नमक। नमक, हल्दी और काली मिर्चा डाल दिया है। तो अब इसको मैं चूल्हे पर खड़ा देता हूँ। ये जी मैंने चूल्हे पर खड़ा दिया है। तो अब तकरीबन आधे घंटे बाद यखनी तैयार हो जाएगी, फिर मैं इसको खाऊंगा। मुर्गी की यखनी तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसको खा के टेस्ट बताता हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था जब मैं उसकी गर्दन में मैंने छुरी रखी। और बस दोस्तों क्या करूँ, मजबूरी थी, हलाल करना पड़ा। और अब मैं उसकी यखनी पी रहा हूँ। यखनी पी ली है। बाकी ये जो हड्डियाँ बची हुई हैं थोड़ी सी, उसके ऊपर बॉडी लगी हुई है, ये मैं ऊपर चूज़ों को खिलाने जाता हूँ। दोस्तों मैं छत पर आ चुका हूँ। ये यखनी चूज़ों को पिला देता हूँ, यखनी और इसके अंदर जो बोटियाँ बची हुई हैं। चूज़ों को मैंने यखनी पिला दिया। मैं जा रहा हूँ नीचे और लंच करने जाता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उम्मीद करता हूँ आपको यह आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।